देखिए इस तरीके की झाड़ियां हैं, ऐसे ही आगे इसराइल एम्बेसी में राइट साइड पे है वो सामने, और सारे तमाम मीडिया के कैमरे यहीं पर ही लगे हुए हैं। ये एक बैरिगेटिंग है, इससे आगे वो क्राइम सीन की जो टेप लगी है वो होती है, उससे आगे ही देखिए दिख रहे होंगे आपको खड़े, वहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ है राइट साइड पे। हाय मेरे तमाम सब्सक्राइबर, हेलो गुड मॉर्निंग। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लगभग सुबह के 10:30 बज रहे हैं। नया दिन, नई शुरुआत, नई फिर से एक टास्क। देखिए 29 जनवरी को जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, आप सबको भी पता होगा, दिल्ली के इसराइल एम्बेसी में ब्लास्ट हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तो नहीं था वो ब्लास्ट, जो इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की काफ़ी लो थी। दिल्ली में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड है, वहाँ पर हुआ था ये ब्लास्ट, और बहुत ही ज़्यादा VIP एरिया माना जाता है। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री का कार्यालय हो गया, प्रधानमंत्री का घर हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, और तमाम जो VIP है वहीं पर ही रहते हैं। लुटियन जोन्स में आता है दिल्ली के ये, तो काफ़ी VIP एरिया है। ब्लास्ट होना तो काफ़ी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर सवाल या निशान ज़रूर उठाता है। हालांकि 1.5 महीने पहले सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए स्पेशल सेल ने दिल्ली पुलिस को पत्र भी लिख के बताया था कि इसराइल एम्बेसी में कुछ धमाका होने वाला है, इनपुट से खबर मिली है। उनके भी अपने अपने सोर्स होते हैं तो उन्होंने बताया, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, इस वजह से लगता है दिल्ली पुलिस या स्पेशल सेल उसको सीरियस नहीं ले पाए, और 26 जनवरी को जो हुआ दिल्ली में वो सब ने ही देखा। कल मैंने वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग करी थी, जाके मेरे चैनल पे आपने देखा होगा JK247 पे, वहाँ से मैंने पूरी रिकॉर्डिंग करी, वहाँ गया, वहाँ का जायज़ा लिया, पूरे शॉट्स आ मौके पे, सारी दमकल की टीमें वहाँ पर पहुँची थी, दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी थे, और जो बम स्क्वाड टीम होती है वो भी पहुँची थी, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है, जो सैंपल्स इकट्ठे करती है, सारी चीज़ें देखती है, वो वहाँ पर पहुँची थी। 29 जनवरी को शायद इसलिए टारगेट किया गया आतंकी संगठनों द्वारा, क्योंकि 29 जनवरी को इंडिया और इसराइल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सेलिब्रेट करते हैं। 29 जनवरी को ही इंडिया और इसराइल में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बने थे, लगभग 29 से 30 साल पहले, तो शायद इसलिए ये दिन चुना गया आतंकी संगठनों द्वारा। और देखिए इसराइल जो है हमेशा से ही जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है, अलकायदा हो गया, इसके जैसे तमाम जितने भी बड़े संगठन हैं, और ईरान हो गया, फिलिस्तीन हो गया, इसराइल की हमेशा इनसे लड़ाई रहती है, तो टारगेट पे भी रहता है इसराइल हमेशा से ही। अगर भारत की बात करें, भारत में भी 2012 में स्टिकी बॉम्ब का यूज़ किया गया था, इसराइल के एम्बेसडर की जो कार थी उसके ऊपर वो लगाया गया था, उसमें वो धमाका किया गया था। सुबह ऑफिस ने कहा आपको डायरेक्ट वहीं पर ही जाना है, और कोई अभी पहले खबर नहीं देखना है, सीधा डायरेक्ट इसराइल एम्बेसी जाना है, दिल्ली में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड पर है वो, तो अब डायरेक्ट भागम भागी में वहाँ जा रहा हूँ। 30 जनवरी जो आज ये वीडियो शूट हो रही है, सुबह 11 बजे का लाइव मेरा वहाँ से लगा हुआ है, शायद आप मेरे को TV पे भी देख लेंगे, 11 बजे मेरे JK24 चैनल पे वो आएगा। ब्लास्ट हुआ उसके मद्देनजर रखते हुए दिल्ली और तमाम जो जगह है, हमें कह सकते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, सारी जगह पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि देखिए 29 तारीख को कल बीटिंग रिट्रीट भी हो रही थी, और जहां ये धमाका हुआ वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वहां से विजय चौक था, तो कहीं ना कहीं ये धमाका जो है सवाल निशान जरूर उठाता है सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए। और इसके साथ ही जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर सारी चीजें देखेंगे किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, और जो इसराइल के दूतावास हैं, इसराइल ने इसको सीधा आतंकी हमला मान लिया है। तो अब जा रहा हूँ मैं वहाँ पर, अभी क्या सुबह के हालात हैं, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची है, सारा वहाँ से जाके दिखाऊंगा आपको, ऑफ कैमरा भी दिखाऊंगा कहाँ पर गाड़ी लगाई मैंने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मार्ग किधर है, और कैसे मैं आगे बढ़ूँगा, क्या वहाँ पे इंतजाम हैं, रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, मीडिया को कहाँ रोका हुआ है, ये सारी चीज़ें अब मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड पर, और ये सामने आप देख सकते हैं दूर वहाँ पे मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसी झाड़ियाँ थी जहाँ पर बताया जा रहा है कि बॉम्ब फेंका गया था, शुरुआती जांच में पता लगा था IB डिवाइस के ज़रिए बॉम्ब हुआ है, लेकिन आगे की जांच जो हुई उसमें पता लगा कि छोटे छोटे छर्रे इसमें बॉम्ब में यूज़ किए गए हैं, IED का इस्तेमाल किया गया है बॉम्ब के लिए,
जो विस्फोट करने के लिए किया गया, और आगे ही सारी मीडिया जो है लगी हुई है। अभी मैं जाऊंगा, मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, ये रही मेरी गाड़ी, गाड़ी पार्क कर दी है, आगे जाता हूँ दिखाता हूँ किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो देखिए इस तरीके से ये सेटअप लगता है, इसे ट्राइपॉड कहा जाता है, आप सभी को पता है। कैमरा पर्सन कभी कभार नहीं होते तो इस तरीके से खुद ही जुगाड़ करना पड़ता है। पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, देखिए फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमें लाइव ले लेते हैं। और ये रहा मेरा माइक, ये देखिए अब यहाँ से मेरा लाइव होने वाला है। देखिए अभी टाइम 11 बजने वाला है, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो इस तरीके की जब चीज़ें हो जाती है तो जो नेटवर्क्स के लिए जामर लगा दिया जाता है, आगे नेटवर्क नहीं आते। कल रात को भी जब मैं लाइव कर रहा था तो वो सही तरह हो नहीं पा रहा था। तो आ तो लाइव हो गया, लगभग मेरा 20 मिनट के आसपास लाइव चला। ये ट्राईपॉड है, ले लिया है मैंने, ट्राईपॉड बंद कर दिया, लाइव ख़त्म हो गया। 11:25 के आसपास तक मेरा लाइव चला था और 11:05 पे कनेक्ट हुआ था मैं। एक चीज़ और जो इस ब्लास्ट में पता लगा है, जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, वो ये है कि जो ईरान में जनरल उनके कासिम सुलेमानी थे, इसराइल ने स्ट्राइक करके 2020 में उनको मार दिया था, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ईरान ने ये बदला लिया हो, क्योंकि एक चिट्ठी मिली है, उस चिट्ठी में लिखा कि ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और उसमें सीधा इसराइल के जो यहाँ पे एम्बेसी में राजदूत है उनको संबोधित करते हुए कहा गया। और CCTV कैमरे में एक कैब आई है जिसमें दो आदमी दिख रहे हैं, जो दो संदिग्ध जिन्हें कहा जाता है वो दिख रहे हैं। तो अभी ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे चलते आगे से दिखाता हूँ सारी चीज़ें है क्या। ये वो सारा एरिया है, सामने बैरिगेटिंग लगा रखी है, इससे आगे नहीं जाने देंगे, आगे जाके जो हुआ है वो ब्लास्ट हुआ है। इस तरीके की कोई वारदात हो जाती है तो मीडिया कर्मी कई कई उनको घंटे यहाँ पर बैठना पड़ता है, तो देखिए ऐसे नीचे बैठ जाते हैं जब खबर नहीं होती है। और तो जब लाइव आप देखते हैं तो एकदम चुस्त दुरुस्त दिखते हैं। और ये तमाम ओबी वैन खड़ी हैं, ये पुलिस वालों की खड़ी हैं, ये इसराइल की नहीं ब्राज़ील एम्बेसी है। इसी तरीके से पूरा एम्बेसी रोड है, राइट साइड पे आगे जाके वो ब्लास्ट हुआ है, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है, जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। पूरा दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से जहाँ ब्लास्ट हुआ है वो ऑन लोकेशन मैंने आके आपको दिखाया है। ऑफ कैमरा तो आप आगे से देख ही रहे हैं, लेकिन पीछे से किस तरीके से वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। शायद ये कोई अधिकारी जा रहा है इसलिए ये खुला जाएगा। देखिए अब मैं आ गया हूँ कार में, अब कार में बैठूँगा और यहाँ से जब तक अभी ऑफिस से कोई अगली इनपुट नहीं आती है तब तक जाते हैं, वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे ज़्यादातर जर्नलिस्ट अपने फ्री टाइम में बैठते हैं जब खाली टाइम होता है। देखिए पहला तो है, मैंने आपको बता देता हूँ, पहला विजय चौक है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर तमाम मीडिया वाले आपको मिल जाएंगे, एक अलग से पार्किंग दे रखी है उनको, वहाँ पर तमाम मीडिया वाले बैठते हैं। दूसरी जगह है मंडी हाउस दिल्ली में, वहाँ पर भी मीडिया कर्मी बैठते हैं। तीसरी जगह कौन सी है जहाँ पर मैं ज़्यादातर बैठता हूँ और मीडिया वाले भी बैठते हैं, उस जगह पे लेके चलता हूँ, और अगर कुछ मीडिया कर्मी होंगे तो उनसे बात भी करूँगा। देखिए वो जगह तो मैं आपको दिखाने जा रहा था कि जहाँ पे जर्नलिस्ट सबसे ज़्यादा बैठते हैं, लेकिन बीच में अजय भाई मिल गए। आप अजय भाई से मिले हो मेरे पहले व्लॉग में, ये मिल गए हमसे, इन्होंने तो खाना खा लिया, मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसी जगह दिखाऊँ जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। और पुराने हैं ये, दिल्ली के जो पुराने देख रहे हैं उनको पता होगा, कृषि भवन के पास इनकी दुकान हुआ करती थी, वहाँ से दुकान टूटी और कालीबाड़ी में इनको ये दुकान मिल गई है, तो यहाँ इनकी बिरयानी फेमस होती है, वो खाएंगे। ये बिरयानी रेडी हो गई है, ये मेरा देसी जुगाड़ है वर्जन मोजी तो बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अच्छा लगेगा, नेटवर्क जब बहुत नहीं होता
ये सारी आइटम है। रात के टाइम तंदूर भी लगाते हैं क्या? क्या होता है? चिकन टिक्का होता है, फिश टिक्का होता है, फिश फ्राई होता है, और तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन, फ्राई चिकन, सामी कबाब, सिख कबाब, इतने सारे ऑप्शन है। और दिन में क्या क्या होता है? दिन में कोरमा बिरयानी होता है बस। तो दिन में खाली कोरमा बिरयानी है, लेकिन शाम के टाइम ज़्यादा ऑप्शन है, आ सकते हैं। लोकेशन बताता हूँ, कालीबाड़ी सेंट्रल स्कूल है, सेंट्रल स्कूल के बिल्कुल अपोजिट, केंद्रीय विद्यालय कहते हैं दिल्ली में, कनॉट प्लेस में एरिया पड़ता है, आ सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत पुरानी दुकान है, इससे पहले कृषि भवन जहाँ पे प्रेस क्लब है वहाँ पर इनकी दुकान हुआ करती थी, काफ़ी टाइम पहले वहाँ से सारी दुकानें हटा दी हैं, तो जो दुकानें वहाँ से हटाई है उनको यहाँ मिली है। लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ, शाम के टाइम जो ये खाना देते हैं वाकई में लाजवाब होता है, क्योंकि मैंने खारा खाया शाम का खाना, बिरयानी मैंने आज बहुत सालों बाद खाई है इनकी, तो बिरयानी इतनी ठीक नहीं थी, जो टेस्ट होना चाहिए, लजीज होनी चाहिए, रस होना चाहिए, वो बिरयानी में था नहीं। लेकिन शाम के टाइम इनका तंदूरी चिकन होता है वो अल्टीमेट होता है, फिश टिक्का होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो कनॉट प्लेस के आसपास अगर हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो, कालीबाड़ी एरिया और सेंट्रल स्कूल है ये, वहीं पर ही दुकान इनकी है रहमानी, एक अच्छा ऑप्शन है, पैसे भी अच्छे ठीक ठाक हैं, क्योंकि कनॉट प्लेस में सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, तो एक सस्ता ऑप्शन है, सस्ता ऑप्शन चाहिए तो यहाँ आ सकते हो, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, शाम के टाइम फैमिली के साथ एंजॉय करो। अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि तीसरे नंबर पर जर्नलिस्ट सबसे ज़्यादा बैठते हैं, उस जगह का नाम नहीं बताया, सीधा ले जाके दिखाता हूँ आपको, तो चलिए चलते हैं। जो हमेशा से ही मेरे व्लॉग में होते हैं, सुबह से वो नहीं मिल पाए, काम पे बिजी थे, हाय आ गए हैं दोबारा, आप लोग बड़ा इनको आई लव यू कहते, तो मैंने सोचा बुला लूँ इनको, आई लव यू यार, सब इनको कहते हैं प्रदीप भाई का, तो प्रदीप भाई मिल गए हैं, सुबह से बिजी थे, गाजीपुर बॉर्डर था, मैं ये गाजीपुर बॉर्डर था और मैं इसराइल की खबर पे गया हुआ था, तो मैं इनको बता रहा हूँ कि दिल्ली में तीन ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जर्नलिस्ट अपने खाली टाइम में आके बैठते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं, पहली तो विजय चौक बताई मैंने इनको, दूसरी मंडी हाउस, लेकिन तीसरी में मैंने इनको सस्पेंस में रखा ताकि बताना था, मैंने कहा वहीं जाके बताऊंगा, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, तो ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ से बड़े बड़े आंदोलन खड़े हुए और सरकार को नई दिशा दी इन आंदोलन ने, और ये वो जगह है जहाँ पे बड़ा दुख की बात है कि एक व्यक्ति ने किसी आंदोलन के अंदर अपने आप को फांसी पे भी लटकाया था, तो शायद समझ गए होंगे आप ये लोग, ये वही जगह है, आपको ध्यान आ गई होगी कि कौन बंदा, पिछले कुछ दिन साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो फांसी पे अपनी प्राण त्याग देते, फांसी लगा के अपने आप को ख़त्म कर दिया था, ये वो जगह है, बड़े आंदोलनकारी यहाँ से उभर के गए, बड़े बड़े आंदोलन हुए इस जगह पर, बिल्कुल ये है दिल्ली का जंतर मंतर। देखिए पीछे जो है स्कूटर जो लगे हुए हैं वो प्रिंट मीडिया वाले, ऐसे नहीं कि खाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही आती है, फोटोग्राफर्स जो होते हैं न्यूज़पेपर के मैगजीन के, तो वहाँ पर आते हैं, वो वहाँ पर बैठते हैं, वो भी चाय पीते हैं, तो सारे एक साथ मिलके बैठते हैं खाली टाइम पे, यहाँ पर आते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, फिर उसके बाद चाय वाय पी के अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं। तो अब घर जाने का टाइम हो गया है, देखिए सुबह 8 बजे से मैं निकला हुआ हूँ, सुबह 8 बजे से अब आप लगा सकते हैं 5 बज गए हैं, तो बहुत भागा दौड़ी भरा काम रहता है, थोड़ा बीच में टाइम मिला था आके चाय पी जंतर मंतर पर, उसके बाद फिर वापस जो जिस तरीके की खबर चल रही है आपको पता ही है, इजरायली दूतावास के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसको लेके तमाम जगह जाना पड़ा, और वहाँ पर जो लोकेशन है वहाँ पर भी गया, वहाँ से आपको मैंने दिखाई सारी चीज़ें आज के व्लॉग में, और उसके बाद जहाँ मैंने खाना खाया वो भी दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को पसंद आया होगा, ऐसे ही मेरे दिन के और व्लॉग्स देखने के लिए, मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और अगर आप लोगों को ट्रैवल सीरीज़ पसंद है तो मेरे चैनल पर ट्रैवल सीरीज़ भी है, जहाँ पर मैंने उत्तराखंड ट्रैवल सीरीज़ डाल रखी है, स्विट्ज़रलैंड की ट्रैवल सीरीज़ डाल रखी है, इज़राइल की ट्रैवल सीरीज़ डाल रखी है, आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए मैंने डेली व्लॉग्स भी स्टार्ट कर दिया ताकि आप लोगों को मेरी लाइफ में क्या हो रहा है वो पता रहे, और ट्रैवल वीडियोस तो आती ही रहेंगी, अब बहुत जल्द एक नया ट्रैवल मैं प्लान करने वाला हूँ, तो एक नई जर्नी पे चलेंगे, तब तक आप मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से देखते रहिए, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो जानते रहिए, और ये ज़िंदगी एक बार मिलती है इसलिए इसको जियो जी भर के, क्योंकि ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा।